वेलकम टू adda247.com। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो फॉर्म फिल करते हैं एग्जाम का। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि SBI क्लर्क 2019 का नोटिफिकेशन आया है विद अ ह्यूज वैकेंसी, तो आप सबको डेफिनेटली आप सबको अप्लाई करना चाहिए। सेकंड थॉट तो होना ही नहीं चाहिए कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। ये थॉट तब आना चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल आप इसे फिल करिए। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप फॉर्म को फिल करते हुए करते हैं, तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो इसलिए मैं आपको आज फॉर्म फिल करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहें तो साथ साथ फॉर्म भी अपना फिल कर सकते हैं वीडियो देख के, या फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो बाद में जब भी आप फिल करें तो ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, bankers.com पे जाना है और वहां ये SBI क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है इस वाले आर्टिकल पे जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे। तो जब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा IBPS की साइट पे। अब यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है, देखिए कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी 12 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 3rd May यानी 3rd May लास्ट डेट है। बट आप 3rd May का आपको वेट नहीं करना है क्योंकि आपको पता है लास्ट मोमेंट पे जो वेबसाइट है वो वर्क नहीं करती है, क्रैश कर जाती है या कोई और इश्यू आ जाता है। तो अब आपको यहां पे करना क्या है, सबसे पहले या तो आप अगर न्यू कैंडिडेट हो तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप कुछ भी फिल किया हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन अगर अभी आपने किया था हाल फिलहाल में 12 अप्रैल के बाद से, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आज पहली बार ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आएगी। पॉपअप में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जिसे आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज एज एज ऑन 1st April 2019 एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 31st August 2019। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बना के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप इसे जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, सपोज मेरा नाम है दिव्यराज, तो मैं यहाँ पे दिव्यराज फिल करूंगा। फर्स्ट नेम को कंफर्म करने के लिए कह रहा है, तो एज इट इज आपको जो भी आपकी मार्कशीट में है वही फिल करें, ये जरूर ध्यान रखें। अगर आपका कोई अलग भी नाम हो लेकिन 10th या 12th की मार्कशीट में जो मेंशन किया हुआ है वही यहाँ पे मेंशन करें, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये गलतियां ना करें, कुछ लोगों के हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट में अलग नाम होता है, कभी कभी ऐसे मिसस्पेल्ड हो जाता है। तो मिसस्पेल्ड अगर होता भी है तो जो भी है आपके 10th या 12th की मार्कशीट में वही नाम यहाँ पे आपको फिल करना है एज इट इज। तो मेरा मिडिल नेम तो है नहीं, जिसका मिडिल नेम है तो वो यहाँ पे फिल आउट कर सकता है, या फिर लास्ट नेम जैसे मेरा है सही, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम फिल करूंगा और सेम टू सेम कंफर्म करूंगा लास्ट नेम। और यहाँ पे आपको जो भी आपने भरा है फुल नेम यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा। मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसे कंफर्म भी करना है। कोई ऑल्टरनेट नंबर अगर आप देना चाहते हैं, अगर कोई आपके पास है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, देखिए जिस जो भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है उनमें स्टार मार्क है, यानी इनके बिना तो आपका फॉर्म फिल होगा ही नहीं जिनमें स्टार मार्क है, तो स्टार मार्क वाले तो आपको भरने ही भरने हैं। जिसमें स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं आपकी चॉइस है तो आप भर सकते हैं। फिर ईमेल आईडी यहां आपको फिल करनी है, तो यहां पे आपको डोमेन नेम डालना है जो कि मेरा जीमेल है, ठीक है। यहां पे कंप्लीट ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद कैप्चा एंटर करना है यहाँ पे जो कि SQ4H8 है। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन चूज करना है। फिर ये पूछेगा आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट, अगर करेक्ट है तो ओके
ओके के बाद ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है ये तो आपको सेव करके रखना है, क्योंकि सपोज आपका सेशन आउट हो जाता है, क्योंकि जब टाइम ज्यादा हो जाता है तो टाइम सेशन ऑफ हो जाता है यानी आउट हो जाता है, तो आपको दोबारा लॉग इन करने के लिए इस रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप दोबारा स्टार्टिंग से तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते दोबारा सेम इंफॉर्मेशन के साथ, तो आपको लॉग इन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसे कहीं पे सेव करके रख लें, जैसे कि मैं अभी इसे सेव करूंगा नोटपैड पे, करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने ये सेव कर लिया, तो अब मुझे फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ती है, जैसे एडमिट कार्ड आएगा तब भी आप लॉग इन करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा तब भी मे भी आपको इसकी जरूरत पड़े। तो ये बहुत ही स्टार्टिंग से लेकर के एंड प्रोसेस तक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट करके रखें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है कि स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की जो स्कैन फोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गाइडलाइन क्या है फोटोग्राफ की, यानी क्या क्राइटेरिया है फोटोग्राफ का, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो साइज हम देख लेते हैं, साइज शुड बी 20 KB to 50 KB, यानी 20 KB से कम नहीं होना चाहिए फोटो की साइज और 50 KB से अबव नहीं होना चाहिए। डायमेंशन जो होता है वो 200 × 230 pixels होता है, बट यहाँ पे आप सिर्फ अगर साइज का भी देख लेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो हो जो कि फॉर्मल हो और 20 KB से 50 KB के बीच में होगी तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। फोटो अपलोड होने के बाद ऐसे विजिबल हो जाएगी। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कह रहा है, सिग्नेचर की क्या गाइडलाइंस है, सिग्नेचर का भी आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं साइज क्या है उसकी, एक किसी पेपर पे साइन करके उसका स्कैन कर सकते हैं या उसकी इमेज क्लिक करके इस साइज में आप अपलोड कर सकते हैं, 10 to 20 KB के बीच में, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां से मैं आपको सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ, जिसकी साइज है मेरे सिग्नेचर की 19.8 KB, तो ये अपलोड हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो गए हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको फिल करनी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है डू यू वॉन्ट टू अप्लाई अंडर, यानी कि रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज या स्पेशल रिक्रूटमेंट राइट। तो मैं रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज चूज करूंगा। सर्कल आपको चूज करना है कि कौन से सर्कल, ये आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि किस सर्कल में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे कौन से सर्कल से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं ये देखूंगा। अब इस पे भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि हम कहाँ से अप्लाई करें, क्या मैं अगर मैं यूपी का हूँ तो एमपी से अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि भाई वहां तो वैकेंसी ज्यादा है। सपोज मैं ये नहीं कह रहा वहां वैकेंसी ज्यादा है, बट सपोज कि अगर यूपी से ज्यादा वैकेंसी एमपी में, लेकिन आप एमपी से बिलोंग, यूपी से बिलोंग करते हो तो आप एमपी से फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज आपकी हो सकता है वहां की हो, तो क्या वो बेनिफिशियल होगा, ऐसे बच्चों के बहुत से डाउट है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक वीडियो सेशन अलग से लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कहाँ से फॉर्म फिल करना बेनिफिशियल होगा आपके लिए या किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, वो सब हम डिफाइन करेंगे। अभी इस टाइम पे मैं नहीं कर सकता, वरना सेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं सपोज लखनऊ एंड दिल्ली से अप्लाई कर देता हूँ, देन स्टेट यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, तो यूपी से ही है लखनऊ या दिल्ली, तो वो तो ये जो सर्कल है वो यूपी के अंदर आता है, इसलिए बाई डिफॉल्ट उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हम हिंदी चूज करते हैं। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट एविडेंस इन हैविंग स्टडी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि आपके 10th और 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या आपने जो ये ऑफिशियल मेंशन किया है वो स्टडी की है, तो अगर यस है तो आपको यस करना है, क्योंकि मैंने तो की है भाई, तो मैं तो यस ही फिल करूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं, अगर आपने पढ़ाया है हिंदी 10th 12th में तो आप यस करिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं, तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप नो भी करते हो तो एक LPT होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो एक होगा, और अगर आपको हिंदी आती है तो कोई इश्यू नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा। कैटेगरी आपको चूज करनी है, जिस भी कैटेगरी के आप हो, जनरल हो, EWS कैटेगरी से हो, BAC हो, SC हो या फिर ST हो, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो।
अब देखिए, जो भी स्टार मार्क है मैंने आपको बताया था कि फिल करना जरूरी है। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? अगर आप डिसेबिलिटी है आपकी तो यस करिए, उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होगी। कौन से किस टाइप की है डिसेबिलिटी, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है, और अगर नो है तो यहाँ पे नो फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार मार्क्ड है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो हिंदू बिलोंग करता हूं मैं, तो मैं हिंदू को चूज करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने हिंदू चूज कर दिया। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस चूज करना है, अदरवाइज नो चूज कर सकते हैं। नेशनैलिटी आपकी क्या है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इंडियन नेशनैलिटी सिटीजनशिप जिनके पास है वही अप्लीकेबल है इसे अप्लाई करने के लिए। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछा हुआ है, आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो और डिवोर्स वुमेन और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड? तो अगर यस है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। आर यू अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1st Jan 1982 to 31st 12th 1989? क्या आपके पास डोमिसाइल थी उस टाइम पे जो ये ड्यूरेशन दी हुई है? तो आपको यस चूज करना है, अदरवाइज नो चूज करना है। क्या आप एक्स सर्विस मैन हो? अगर हो तो यस, अदरवाइज नो। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन? यस और नो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विस एक्शन किल्ड इन एक्शन डीएक्सएस? नो। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लैरिकल और ऑफिसर कैडर? ऑब्वियसली अगर आप क्लैरिकल होगी तो ये फिल नहीं कर रहे होगे, फिर भी ये पूछते हैं। तो यहां अगर हो तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। Have you earlier employed in the State Bank of India and resigned from the bank while the clerical or officer cadre? तो अगर आपने पहले ज्वाइन किया था लेकिन फिर रिजाइन कर दिया है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करना है। Do you have record of default and repayment of loan? मतलब आप क्या डिफॉल्टर रह चुके हैं सिविल एजेंसी के अकॉर्डिंग? तो यस है तो यस, अदरवाइज नो फिल करना है। Are you a candidate against whom there are adverse report regarding character and क्या कैरेक्टर मॉरल एंड एंटीसेंटेड? तो इसे भी आपको नो या फिर यस चूज करना है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू विच द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग? तो प्रिलिम का एग्जाम आप कहाँ देना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना होगा। अगर आप सपोज मैं यहां से दिल्ली एनसीआर चूज करता हूँ तो सेंटर कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और सेंटर फिर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर क्या आएंगे, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। स्टेट या यूनियन टेरिटरी विच यू विच द मेंस एग्जाम सेंटर बिलोंग? तो मेंस एग्जाम आप कहाँ से देना चाहते हैं वो भी अलग से चूज कर सकते हैं। तो वो अगर मैं यूपी कर देता हूँ तो यूपी में फिर मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा। यानी आप अलग से चूज कर सकते हैं प्रीलिम्स का और मेंस का एग्जामिनेशन। जरूरी नहीं है कि जहां से आप प्रीलिम्स भरो वहीं से आपको मेंस का भी एग्जाम देना जरूरी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल कर दीजिए जो भी आपके 10th या 12th की मार्कशीट में मेंशन है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जेंडर चूज करना है, जो भी जेंडर है आपका, मैरिड हो या अनमैरिड हो, डिवोर्स हो, विडो हो, जो भी है वो डिटेल यहाँ पे आप फिल कर देंगे। अपने फादर्स का नेम एंटर करना है। बट फादर्स फर्स्ट नेम फिल करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम अगर है तो, अगर नहीं है तो फादर का लास्ट नेम, देन मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड मदर का लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। स्टेट चूज करना है,
और पिन कोड, तो जो भी आपके हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं उसकी डिटेल। देन आपको इनवॉइस के लिए एक एड्रेस देना होता है, इनवॉइस आती नहीं है जीएसटी इनवॉइस, बट आपको फिर भी एक एड्रेस प्रूफ के लिए देना होता है, परमानेंट या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस। 750 अमाउंट है क्योंकि मैंने जनरल चूज किया है, तो जनरल की जो फीस है वो 750 रुपीज है। उसके बाद हम यहाँ से वैलिडेट कर लेते हैं, वैलिडेट अगर वेरीफाइड सक्सेसफुली होता है, यानी कि जो भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन थी वो सही सही बिल्कुल आपने भर दी है। अब सपोज कि मैंने यहाँ से ये इंफॉर्मेशन फिल नहीं की परमानेंट एड्रेस वाली और उसके बाद वैलिडेट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, वन और मोर एरर फाउंड इन द पेज, और एरर के सामने भी लिख के आ जाएगा कि आपने क्या मिस किया है। ठीक है, तो ऐसे आ जाता है। फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन करने के बाद आप वैलिडेट करिए, वेरीफाइड सक्सेसफुली होगा, इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन भर दी। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज से बेस्ड आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है। अगर आप ग्रेजुएशन अपियर्ड हो तो अपियर्ड दे, अदरवाइज पास पे क्लिक करना है। किसमें कर रहे हो वो बताना है, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हो वो बताना है, डेट ऑफ पासिंग बताना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, देन ग्रेड बताना है। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर आपके पास है तो वो आपको बताना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो यस करके यहाँ पे आपको फिल करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है, या फिर आप ऐसे लीव भी कर सकते हैं क्योंकि स्टार मार्क नहीं है यहाँ पे। वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग एसटीएससी और माइनॉरिटी या रिलीजियस एंड डीएक्सएस डिसएक्सएस के लिए ये होता है यस और नो, जो कि मैं इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूँ इसलिए ये अनेबल नहीं है। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंडेटरी हैं क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फेल हो रखी हैं, तो रीड राइट एंड स्पीक में से आप चूज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाते ही मेरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है एक बारी की, अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने भरी है वो सारी एक पेज पे आ जाएंगी जिससे मुझे वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो आप भी जब फॉर्म फिल करें उसके बाद इस पेज पे आके यहाँ पे वेरीफाई कर लें कि जो डिटेल है वो गलती से कोई मिस तो नहीं हो गई है, कुछ भी आपने मिस तो नहीं कर दिया, या बाय चांस बाय मिस्टेक कोई स्पेलिंग गलत कर दी हो या कुछ नाम गलत कर दिया हो जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से आप यहाँ से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए यहाँ से ये कंफर्म करना होगा फोटो मेरी है, उसके बाद सिग्नेचर मेरे हैं ये भी कंफर्म होगा, और पूरे फॉर्म के लिए एग्री करना होगा। अब ये प्रीव्यू के बाद अगर आप फाइनल सबमिट करते हैं तो दोबारा आप मॉडिफिकेशन इस फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, तो एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लें उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके दबाते ही यहाँ पे आपको पेमेंट के का ऑप्शन आ जाएगा जहां पे आपको कैप्चा एंटर करना है, ये एंटर करते ही सबमिट का बटन दबाना है। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे ये पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट होते ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो पेमेंट के ऑप्शन है वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है, वॉलेट में भी आपके पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, यूपीआई है, तो बहुत सारे ऑप्शन है पे करने के जिससे आप पे कर सकते हैं जो भी डिटेल। सपोज अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है और उसके थ्रू आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपकी जो एक रिसिप्ट है वो जनरेट होगी, उसे आप डाउनलोड करके रख लें और रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉग इन करके अपना इनवॉइस और फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके रख लें, जो कि आपके फ्यूचर में यूज हो सकता है। तो ये फॉर्म फिल करके मैंने आपको दिखा दिया है, तो इस वीडियो को आप देख लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिल करने में। और ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क एंड ऑल अदर एग्जाम्स अगर आपने फिल किए हैं, एसबीआई पीओ है, एलआईसी है, और आज सुप्रीम का ऑफर चल रहा है तो सुप्रीम आप चेक कर सकते हैं, जो कि बेस्ट वीडियो कोर्स है हमारा, जहां से आपको बहुत ही फायदा होगा अगर आप
बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो आप उसे अवेल कर सकते हैं, उसे आप इजीली कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप से हो या लैपटॉप से हो, डेस्कटॉप से हो, क्योंकि वीडियो डाउनलोडेबल होती है, डाउनलोड कर लीजिए जहां भी वाईफाई हो और फिर उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कहीं भी चलते फिरते आप लर्निंग करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।